हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाश दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गयन यूट्यूब चैनल पे तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने बायोलॉजी का पार्ट कवर करते आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस बार जो है थोड़ा टॉपिक वाइज़ कवर किया जाए ताकि आपको भी रिविजन के लिए आसानी हो टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ेंगे जो भी टॉपिक चाहिए जो आप वीक हैं जो आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चंस को ज़्यादातर अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो उसको सिर्फ रिवाइज़ करें तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं राइट right? तो चलिए शुरू करते हैं तो लास्ट पार्ट ने हमने कवर किया था एनिमल किंगडम का जो पहला पार्ट वो खत्म हो चुका है और दूसरा पार्ट जो एम्फीबियंस के रिलेटेड है रेप्टाइल्स के रिलेटेड है वो आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है डैश अकर्स इन एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स तो ऑप्शन भी हो गया थ्री चाम्बर हार्ट ओके हमारे ह्यूमन हार्ट कितने होते हैं फोर चाम्बर हार्ट होते हैं बट यहाँ पे अगर आप एम्फीबियंस और कई सारे रेप्टाइल्स में अगर आप देखेंगे तो थ्री चाम्बर हार्ट होता है दोस्तों एम्फीबियंस एंड रेप्टल्स है्री चम्बर हार्ट विच है एंड वन वेंट्रिकल हमारे पास दो आर्ट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं ठीक है फिशर्स हैव टू चाम्बर हार्ट वन एंट्रिकम एंड वन वेंट्रिकल सिमलरली क्रोकोडाइल रेप्टल बर्ड्स मैमल्स हैव फोर चाम्बर हार्ट अभी मैंने बताया ना आपको हम भी एक मैमल ही है ना तो टू एंट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स विच ऑफ द फॉलिंग इज ऑल्सो नोन एज अ ट्री फ्रॉक की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों हाइला हाइला इज नोन एज ए ट्री फ्रॉक इट बिलोंग्स टू ऑर्डर एनूरा हाइला इज एन आरबोरियल एनिमल

टाइगर की बात करें तो पैंतरा टाइग्रिस लेपर्ड की बात करें तो पैंथरा पैराडि हो गया दोस्तों एम्फीबियंस हैव डैश ऑप्शन डी ग्लैंडुलर स्किन विदाउट फेदर्स एम्फीबियन फॉल्स बिटवीन क्लास पीसिस एंड डिप्टल्स एम्फीबियंस आर एक्वेटिक एंड टेरिस्टेरियल वर्टिब्रेट्स दे आर एक्टोधर्म्स कहा जाता है थ्री थाउजेंड पीसेस आर फाउंड इन द द्लिस क्लास दे डू नॉट हैव स्केल्स हेयर्स और फेदर्स ऑन देर बॉडी बट द स्किन इज स्मूथ ड्यू टू म्यूकस क्लैंड दोस्तों द फ्रॉग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम ऑफ क्लास एम्फीबिया फॉलोइंग्लास एनिमल लैक स्के बात करें तो ऑप्शन सी हो गया एम्फीबियंस ओकेशन अकर्स और लंग्स इन एनिमल ऑफ क्लास ऑप्शन डी हो गया एम्फीबियंस इन एम्फीबियन गिल और लंग्स आर दर्गन दैट हेल्प इन रिसिविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच ऑफ द फॉलिंग कम्स अंडर द एम्फीबिया क्लास ऑफ एनिमल्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया टोटल ओके एम्फीबिया इज अ क्लास इन द सब फाइलम वटिब्रेटा ऑफ द फाइलम कोरोडाटा So they have all of characteristics of both of this group. Class amphibia includes Jinmophhenia, okay, Della, and Anuradostu. Which of the following is not an amphibian? Kibat to option B gaya crocodile, Hyla, Tward, Salamander, Proteas, Nectaros, etc. are amphibian animals. Okay, Their body is adapted to live in both water and land, whereas the crocodile belongs to class reptilia. All animals of this class crawl on the ground walls, trees, etc., but some species are also live in water. नेक्स्ट रेप्टाइल्स की बात करें तो क्लास हैज ऑप्शन ए ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किल विथ स्किल्स ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास रेप्टीला क्रॉल ऑन द ग्राउंड वॉल्स एंड द ट्रीज एक्सेट्रा दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल देयर स्किन हैव एपिडर्मल हॉर्नी स्किल्स देयर इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन देयर स्किन इज ड्राई बिकॉज दे डू नॉट हैव ग्लैंड्स दोस्तों विथ क्लास ऑफ एनिमल्स हैव ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किल की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया रेप्टीलिया ठीक है एंड मोस्ट रेप्टाइल्स हैव ऑप्शन थ्री दैट इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट ऑप्शन सी हो गया थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है एग लेंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑप्शन सी दोस्तों ओवी पेरस इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्वेश्चन में एक्चुअली नॉट इन आर आर बी आर आर बी भी तो पूछा ही है बट ऐसे एग्जाम्स में भी है जो कि स्टेट एग्जाम्स जहाँ पे बायोलॉजी का पोर्शन है वहाँ पर सिलेबस है तो उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सो एग लेंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओवी पेरस ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास ऑन द ग्राउंड

कॉड फिश बेबी इज कॉल्ड कॉडलिंग ए गुज बेबी इज कॉल्ड गुजलिंग और फिश बेबी को फिंगरलिंग जाता है फॉलिंग एनिमल इज नॉट रिलेटेड टू क्लास रेप्टिल की बात करें तो ऑप्शन हो गया दोस्तों रेप्टिलिया ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स दट मूव ऑन अर्थ बाई क्रॉलिंग स्नेक लिजर्ड क्रोकोडाइल एक्सेट्रा बिलोंग टू दिस ग्रुप एंड टुअर्ड्स जनरल लाइक फ्लॉक्सियस नेक्स्ट क्रोकोडाइल है हार्ट दिन बिफोर चामबर्ड हार्ट क्रोकोडाइल आर द ओनली रेप्टाइल Which have four chambered heart, two atrium and two ventricles because of the most complicated blood circulation of all vertebrates. Okay. Uskibatha <laughs> <Okay. laughs> category is aves So aves include option A bird. All bird come in the class apes. Member of this class exhibit one of the most beautiful and visually stunning features, such as bright and contrasting colours, unique patterns, and a wide variety of striking poses. Okay. They have plumage of soft feathers on their skin. Birds are warm-blooded animals. Their forelimbs are modified into wings. <laughs> Next karate class aves class aves have option B dry and non-glandular skin with wings. Birds are warm-blooded animals. There is no skin gland except the oil gland present in birds. Their forelimbs are modified into wings. The hind limbs are adopted for walking, perching, and swimming. The heart is a four-chambered, and there are epidermal scales on their one-paired legs. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ फाल्कन बर्ड की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों थ्री ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर ओके पेरीग्रीन फाल्कन इज अ बेस्ट नोन फॉर इट्स डाइविंग स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट विच कैन रीच मोर देन थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आवर पेरीग्रीन हैज बिन लिस्टेड एज अ स्पीसीज ऑफ लीस्ट कंसर्न आई यू सी एन सिंस टू थाउजेंड फिफ्टी विच वन विच इज़ द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स की बात करें तो ऑप्शन है हमिंग बर्ड दोस्तों अपने बचपन में ही सुना होगा हमिंग बर्ड जो है पीछे से भी उड़ सकता है ना पीछे की बैकवर्ड बैकवर्ड उड़ सकता है so hummingbirds are the only birds that can fly backward and upside down belongs to the family trochilidae they are the smallest migrating bird measuring 7.5 to 13 centimeters in length and weight less than 2.5 grams generally with the rapid metabolism hummingbirds have a long lifespan which of the following bird has the smallest egg kibat option D is hummingbird which of the following is a body cavity filled with the air kibat option ho to is sinus एंड व्हाट इज अपेसिफिक फीचर अबाउट द स्वाड बिल्ड हमिंग बर्ड की बात करें तो ऑप्शन बी इट्स बीक इज लॉन्गर दैन द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी दोस्तों द स्वॉड बिल्ड हमिंग बर्ड इज अओट्रॉपिकल स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड फ्रॉम द एंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज दट बीक इज लॉन्गर दैन द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज ए वटिप्रेट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए केवी दोस्तों केवी एक बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलता है ओके एक्चुअली वहाँ का एक नेशनल बोर्ड भी है दोस्तों इन विच वट इज फाउंड दिस इज अ नेशनल बोर्ड ऑफ न्यूजीलैंड एंड कीवी वी प्रिफर टू लिव इन द बरोस दे मेक इन फॉरेस्टेड एरियाज दे दर मेक देर बरोस इन द ग्राउंड बिटवीन द रूट्स ऑफ द ट्रीज और इन हिडन शेल्टर दोस्तों और कीवी वी लाई देर बरोस विद लीव्स टू मेक दम मोर कंफर्टेबल एंड वार्म आपने बहुत बार देखा होगा राइट एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑप्शन डी ऑर्नेथोलॉजी कहा जाता है

नेक्स्ट एनिमल्स फ्रॉम क्लास डैश और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो ऑप्शन एफ्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर डिफाइंड एज एनिमल्स विच कैन रेगुलेट एंड मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दे कैन सर्वाइव इन एनी टेम्परेचर रेंज एज दे कैन अडॉप्ट इट इजिल दे आर नोन एज होमियोथ थर्मोस विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द एनिमल्स और वार्म ब्लडेड की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों एफ्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग एनिमल इस वार्म ब्लडेड की बात करें तो ऑप्शन ए पीजीएन दोस्तों Warm-Blooded Animals are defined as animals which can regulate and maintain constant internal body temperature. They can survive in any temperature ranges as they can adapt to it easily. A Mammals are the best example of Warm-Blooded Animals. Cold-Blooded Animals are defined as animals which cannot regulate their internal body temperature with the change in the environment. They cannot survive in extreme temperature condition. Example of Cold-Blooded Animals are Reptile, Fish etc. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूजअली ले एक्स इन इट्स नेस्ट की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया नाइटिंगल दोस्तों कॉमन नाइटिंगल यूजअली डज नॉट ले लेक इन इट्स नेस्ट नेक्स्ट बात करते हैं मेमिलिया की सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेमल्स इज इन करेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया देर आर थ्री चाम्बर हार्ट इन दर हार्ट ओके थ्री चाम्बर्स इन दर हार्ट क्लास मेमिलिया इज अ ग्रुप ऑफ वटीब्रेड एनिमल्स इन विच यंग वंस आर नॉरिश विद मिल्क फ्रॉम स्पेशल मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर मैमल्स हैव ए फॉलोइंग कैरेट्रिस्टिक्स जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ हेयर और फर स्पेक्ट ग्लैंड्स होते हैं हम भी मैमल ही है ना तो हमें भी होंगे सारे चीज़ें ग्लैंड स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस मिल्क नोन एज मैमरी ग्लैंड ओके थ्री मिडिल ईयर बोन्स होते हैं दोस्तों ए न्यूकॉटिक्स रीजन इन द ब्रेन स्पेशलाइज इन सीइंग एंड हीरिंग स्पेशलाइज टीथ हो गया फोर चाम्बर हार्ट है हमारे पास भी ओके एंड ओनली टू मैमल ले एक्स ओके ह्यूमन बींग्स तो नहीं है ऑब्वियसली इसमें बट ऐसे दो मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं दोस्तों कौन है बता पाएंगे विच ऑफ़ द फॉलिंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैरसुपियल्स की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया कंगेरो मैर्सुपियल मैमल्स और द नॉन प्लेसेंटल मैमल्स दे बिलोंग टू इन्फ्रा क्लास मेटाथीरिया और मैरसुपीलिया दोस्तों फीमेल मार्सिपियल जनरली प्रोसेस एक्सटर्नल पाउच कॉल्ड मैरसुपियम मोस्ट कॉमन एक्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल मैमल इज कंगेरोग्जाम्पल्स इंक्लूड वैला बी क्वाला बहुत ही क्यूट एनिमल होता है क्वाला बिलबी एक्सेट्रा दोस्तों ठीक है

जो कि मेनली आपको मेडागास्कर में मिलेगा और वन ऑफ वन नॉट वन स्पीसीज ऑफ लेटी परसेंट ऑन द वर्ज़ ऑफ एक्सटिंक्शन दोस्तों ओके नेक्स्ट व्हाट इज वीवी पारा की बात करें तो ऑप्शन है like हमारे जो बच्चे होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं उनमें जान होती है दे आर वटिब्रेड राइट एप्स हो गया काउस हो गया अदर मैमल्स आर इंक्लूडिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फुल्ली डेवलप इन वी वी पारा विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप की बात करें तो ऑप्शन बी रैबिट दोस्तों रैबिट इज़ अ स्मॉल मैमल ऑफ फैमिली दैट इज फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड रैबिट लिव इन ग्रुप्स इन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड डेजर्ट एंड एक्वेटिक एरिया अंगोरा वुल इज ऑप्टेड फ्रॉम रैबिट्स पैंडा ग्लोबल जो कि एक प्रोफेशनल ई सॉप्स है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में इसका हेडक्वार्टर है अवैस्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि प्रॉग में है कैंपर्स की एक रशियन मल्टी साइबर सिक्योरिटी एंटी प्रोवाइडर कंपनी है दोस्तों

एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोनेस्ट्रोयस अक्कर ऑप्शन डी वन ब्रीडिंग सेशन इन एयर मोनेस्ट्रेयर ऑर्गेनिज्स अक्कर वन ब्रीडिंग सेशन ईयर सचैस डॉग कैट फ्रॉग एक्सेट्रा दोस्तों डैश गिव बर्थ टू हाईली अंडर डेवलप ऑफ स्प्रिंग्स की बात करें तो ऑप्शन बी कंगर कंगेरू गिव बर्थ टू हाईली अंडर डेवलप ऑफ स्प्रिंग कंगेरू इज ए मैमल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया और इनका एक नेशनल एनिमल भी कहा जाता है इनको पहले देखा गया कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा इन सेवनटीन सेवनटीन ए डी सिंस देन दे आर इंट्रोड्यूस टू वर्ल्ड और मैमल्स नॉन प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है दे बिलोंग टू इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया और मैरसोपीलिया दोस्तों फीमेल मैरसुपियल जनरली प्रोसेस एक्सटर्नल पाउच कॉल्ड मैरसुपियम हैज मैरसुपियल पाउचेस इनको का कहा जाता है मैरसुपियंस कहा जाता है दोस्तों के इसमें नोरिशमेंट प्रोटेक्शन सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है यंग बच्चों के लिए जो उनके बच्चे होते हैं रेड गेंट इज स्मॉलर दैन ए हॉर्स एंड द स्मॉलेस्ट मस्की रैट कंगारो स्मॉलर दैन ए रैबिट दोस्तों इन द कंटेक्सट ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया द फ्लाइंग फॉक्स इज ऑप्शन डी बैट कहते हैं दोस्तों इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ ए फ्लाइंग फॉक्स इज अ टाइप ऑफ मेगा बैट्स विदाउट ए टेल विच हैड लुक्स लाइक ए फॉक्स इट्स बॉडी इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हेयर इज ब्लैक एंड इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया विच ऑफ द फॉलिंग एनिमल हैज स्मॉलेस्ट इंटस्टाइन की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया लाइन दोस्तों कैन यूरस हैव स्मॉलर इंटस्टाइन दैन हर्ब्योरस ठीक है herbivores have longer small intestine to allow the cellulose to be digested completely the intestine would host main smally small bacteria that process the breakdown cellulose into glucose okay actually find a word that does not belong to this group option b gaya, snake okay reindeer cow and elephant all three uh, belong to class mammalia of the phylum chordata while snake belongs to class reptilia of phylum chordata those two okay Next, which of the following animals uh, can produce ultrasonic sounds to option B gaya? Purpoise. Okay. Purpoise can produce ultrasonic uh, ultrasound, sorry, bat, mice, dolphin, etc. can also produce ultrasound. Harbor purpoise are shy elusive sea mammals found throughout the temperature coastal waters of northern hemisphere. Just. The harbor purpoise has been accessed by IUCN as critical endangered. नेक्स्ट द एलिफेंट बियर एंड राइनोसोरस और ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच स्पीसीज की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया मैमल एलिफेंट बियर राइनोसोरस बिलोंग्स टू क्लास मेमिलिया एंड मैमल्स आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यंग वंस एंड फीड देयर मिल्क दिस ऑर्गेनिजम्स आर वर्टिब्रेट एंड वार्म ब्लडेड ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन बिलोंग्स टू क्लास मेमिलिया विच डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज ऑप्शन बी हो गया लिजर्ड दोस्तों

नेक्स्ट विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों फास्टेस्ट लैंड एनिमल इजीता इन दर्ल्डिफिक्स इन वन जम्प एंड इसकी जो स्पीड है पर आवर पे जाती है जस्ट थ्री सेकंड ठीक है चलिए नेक्स्ट द एनिमल दट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑप्शन सी ओमनी वोरस एनिमल

And a muscular tail is used for movements. They are cold-blooded and their hearts have only two chambers. Next, which of the following statement is not true about the uh, fishes kibat? So, correct answer hai is option. C fishes have closed the circulatory system with a heart that plump blood around the body in single loop from heart to gills, from gills to rest of the body, and then back to the heart. So all of the options is correct uh, about fish, but C is not correct. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑप्शन ये होगा दोस्तों प्रेजेंस ऑफ सुडोकोलियम सो साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास पीसेस की बात करें द बॉडी इज कवर्ड थिक विदेड स्केल्स विच हेल्प बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गेनिज दे कंटेन गिल फॉर रेस्पिरेशन इन विच डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर यूज दिस आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स एंड देर हार्ट इज टू दे ले देस देयर इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन कार्टिलेज दोस्तों नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया डॉग फिश कैटिल फिश एक मोलुस्का से रिलेटेड है ऑरिलिया और जेलीफिश की बात करें तो निडारिया से है डॉक फिश एक कोर डेटा है दोस्तों और स्नेक जो है एक कोर डेटा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टिलेगिज फिश की बात करें तो ऑप्शन बी शार्क हो गया शार्क और द ग्रुप ऑफ एलास्मो ब्रांच फिश कैरेक्टर्स बाय कार्टिलिग्यास के डेटा फाइव टू सेवन गिल स्लिट्स ऑन द साइड्स ऑफ हेड

नेक्स्ट विच डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑप्शन बी हो गया सी हॉट्स क्रोकोडाइल आप देखेंगे तो ये टेट्रापोडा के सब क्लास है हॉर्ट ऑफ ए फिश की बात करें तो ऑप्शन डी टू चाम्बर्ड अभी मैंने बताया ओके एंड विच ऑफ मोस्ट विच इज अ मोस्ट पॉइजनस फिश की बात करें तो ऑप्शन हो गया पफर फिश दोस्तों सो दिस इज़ द एंड ऑफ दी एनिमल किंगडम इसके दो क्लासिफिकेशन हमने देखे दोज ऑर्गेनिम विच आर बिलोंग टू तो लैंड जो ज़मीन पर रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा एंड सेकेंड पार्ट इज़ एम्फीबियंस एम्फीबिया के बारे में हमने पढ़ा रेप्टाइल्स के बारे में हमने बताया पीसीस के बारे में हमने देखा एव्स के बारे में, में मैंने आपको बताया इसके इंपॉर्टेंट <laughs> क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम तरह तरह के ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स को हम बात करेंगे तो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी